चलिए निमसेट 24 की एक और टॉपर से मिलते हैं, चेतना से, जो कि पानीपत हरियाणा से है और जिनका ऑल इंडिया रैंक 33 है, जो कि इंपीटस गुरुकुल भोपाल की क्लासरूम स्टूडेंट है। तो चेतना, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया रैंक 33 के लिए। वेरी मच सर। तो चेतना, आप तो भोपाल क्लासरूम में थे, अच्छा पूरे साल आपने पढ़ाई की, इंजॉय किया, इंजॉय मीन्स आपने पढ़ाई में बहुत इंजॉय किया, जो करना चाहिए, मतलब जो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करने वाली बात होती है वो थी आप में, और इतनी अच्छी रैंक आई। तो सबसे पहले तो आपने, क्योंकि ड्रॉप लिया था और लास्ट ईयर जब ज्वाइन करने आए थे, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप वो बताओ कि कब सोचा आपने और फिर किस ढंग से अपने आप को तैयार किया। सर मैंने ना, वैसे मेरे को एग्जाम के बारे में पता नहीं था, बट मैंने एक दिन बस गूगल ही किया था कि बेस्ट क्या रहता है एमसीए की तैयारी करने के लिए। तो एनआईटी का निमसेट का एग्जाम देखा था मैंने, तो बस मेरे माइंड में था। फिर एक दिन मेरी क्लासरूम में एक सीनियर है हमारे, तो मैम ने उनका नाम लिया कि मिहिर की ऐसे ऐसे 98 रैंक आई है निमसेट के एग्जाम में ऑल इंडिया। तो मेरे माइंड में दोबारा वो चीज क्लिक कर दी फाइनल ईयर में, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था। बट 2 महीने मेरा वो चला था, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाई थी, क्योंकि मेरे को जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी उस टाइम पे मुझे पता चल रहा था कि मैं टाइम दे नहीं पा रही हूँ फाइनल ईयर में। मेरी जॉब भी चल रही थी साथ साथ, तो उस टाइम पे मैंने किसी तरह बस, क्योंकि मैंने हाफ फीस भी भर दी थी 2 महीने बाद, पर मेरे को वो छोड़नी ही पड़ी क्योंकि मेरे पापा बोले कि ऐसे नहीं कर पाएगी। दो तीन चीजें और साथ में भी चल रही थी मेरी स्टडीज भी, तो तब तो मैंने वो छोड़ दिया था किसी तरह पत्थर रख के दिल पे। पर एक चीज थी कि हाँ, मैंने अगले साल दोबारा जाना है। मैंने उनसे मतलब इससे पिछले साल 23 का पेपर भी मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि बिना तैयारी के दूंगी तो कोई बैड मेमोरीज बने, इससे अच्छा देती नहीं पेपर मैं। फिर मैंने इस साल तैयारी करी, तो शुरू में तो मतलब मेरे को बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब एंगेज रहती थी, क्योंकि मेरे को नई चीजें सीखने को बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे मिल रही थी। और इवन 23 के पेपर का जैसे थोड़ा बहुत था भी कि भाई पेपर डिफरेंट था, ऐसे बच्चे बोलते हैं, आपने कभी नहीं बोला, क्योंकि होता है ना शुरू में बच्चों से ही रिव्यू लेता है, तो अच्छा था। मतलब ओवरऑल मेरा क्लास में एंगेजमेंट, मेरे को क्लास में आके सारी सब टेंशन भूल जाती थी, जो भी है अपना। मेरी तो एक सीट फिक्स थी, फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ मैं, पूरा साल वहीं पे रह गए, मैंने पढ़ाई करी है मस्त। मतलब मेरे को ये था कि घर रह के वो चीज नहीं मिल पाती, तो मैं वहां पे आ गई थी पढ़ने। और आपने तैयारी भी बहुत ज्यादा ही अच्छे लेवल पर कराई थी, इवन जो इस साल का पेपर आया है इससे बहुत ज्यादा मुश्किल मौका आपने ऑलरेडी दे रखे, और मुझे तो तभी रोना था जितना तभी मैं रो लेती थी आपके पास आकर, 3 नंबर नहीं आए ऐसे रहते। तो फाइनल पेपर भी बहुत अच्छा ही गया था मेरा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए अभी जो रैंक आई है वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि मेन जो एनआईटी में जाना तो वहां तक जा सकते हैं, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चेतना, क्योंकि मुझे आपका पता है, आपने फाइनल ईयर के साथ जॉब भी किया था, फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, पर उन सबके बाद भी आपने एक हिम्मत रखी कि नहीं, मुझे निमसेट 23 भी नहीं दिया, डायरेक्ट एग्जाम दूंगी, रिजल्ट भी निकालूंगी। तो एक तरह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो जब ड्रॉप लेने वाले थे या ड्रॉप का मन बनाया था, तो किस, क्योंकि ड्रॉप लेने में गर्ल्स कई बार पीछे हट जाती हैं, तो आपके मन में क्या थॉट था और क्या थॉट के साथ आपने ड्रॉप का अपने आप को तैयार किया, किस तरह से तैयार किया? सर मेरे को ना कभी भी एक, जैसे मैंने 10th के बाद, 10th तक मैंने पढ़ाई करी है सिर्फ जी लगा के, उसके बाद मेरे साथ में ना पैरेलली काम भी चलता रहा है। पहले 12th में मैं फाइन ड्राइंग का काम करती थी, फिर उसके बाद कॉलेज में जॉब थी, तो सिर्फ पढ़ाई मैंने बहुत टाइम से की नहीं थी। तो और दिमाग में कभी यही था ही नहीं, घर वालों ने भी कभी नहीं डाला दिमाग में तुम लड़की हो या ऐसा कुछ। इवन जो रिसोर्सेज लड़कों को नहीं मिले, वो चाहे घर से नहीं मिले, कहीं से भी अरेंज किए हो, पर पहुंचाया उन्होंने। और मेरे साथ ये तीसरा चीज कि मेरे को पढ़ना तो था, पर मेरी मजबूरी हो जाती थी कि मेरे को काम साथ में लेके चलना पड़ता था, तो इस वजह से बेस्ट उस हिसाब से लो दिया जा सकता था ना। कॉलेज लाइफ तक मैंने दिया है, कॉलेज में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी यूनिवर्सिटी में, वो भी मैंने आपको बताया था। तो बट मन में एक चीज रहती थी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही ना मैं, तो और कर सकती थी। बट यहाँ जब मैं अलग से घर से अलग जॉब छोड़ के मतलब सपोर्ट के साथ वहां पर आई पढ़ने, तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना जब, तो वो बात अलग ही होती है। जब आपके दिमाग को और कोई टेंशन हो ही ना, ना घर की टेंशन हो, ना पैसों की टेंशन हो, सिर्फ पढ़ाई करनी हो, और मन में ये चीज कभी घर वाले ने डाली नहीं कि भैया आप लड़की हो या कुछ हो, लड़के लड़कियां आज सब बराबर है। उल्टा मेरे को तो थोड़ा सा हैरानी हुई थी कि भाई देखे कि कोचिंग में लड़कियां फिर भी कम है लड़कों के कंपेरिजन में आज भी, बट मेरे को तो कभी ये चीज फील नहीं हुई, और ना ही घर वालों ने कभी करने दी। उनको तो ये जो काम है तुमने करना है, खुद ही करना है,
और मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी थी वो 1 ईयर की, कि जो मेरे को एक सिर्फ पढ़ाई करने का मौका मिला था, क्योंकि पढ़ाई जो है ना सबसे आसान काम बन जाता है जब आपको सिर्फ वही करना हो और कोई टेंशन ना हो, तो बहुत इंजॉयमेंट रहता है, आपसे नाम चलता रहता है। ओके okay. अच्छा, भोपाल में क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप पूरे साल भोपाल रहे, तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बताइए। मैं तो यही कहूंगी कि घर रह के और क्लास में आके पढ़ने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। इवन मैं बीच में से 1 वीक के लिए घर आई थी जब दिवाली के आसपास, तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी बिल्कुल भी, और इवन ऑनलाइन भी मैंने 2 महीने किया है, मैंने छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। जो पढ़ाई क्लास में रह के हो सकती है ना, कि जो वहां पे लाइव एक बंदा पूछ सकता है कोई भी चीज, जितना इंटरेक्शन आप वहां पे बढ़ा सकते हो, जितना एंजॉय वहां कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई का जो अपना एंजॉयमेंट है ना, वो जिस बच्चे को आता है उसको फिर रैंक मार्क से थोड़ा फर्क पड़ता है, बट एक टाइम बाद वो एंगेज बात की सुझाते हैं, क्योंकि उसको मजा ही पढ़ाई करके आ रहा था। और वो चीज जो एंगेजमेंट होती है ना, वही सब कुछ होती है पढ़ाई करने के लिए, कि इतना आप अपने घुसे पड़े हो बिल्कुल नहीं, और वो घर रह के नहीं होता, घर पे तो कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब कर ही देगा, पर बाहर ऐसा कुछ है ही नहीं, बाहर किसी में मतलब नहीं है, अपना सिर्फ पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ने वाली चीज बहुत बेस्ट रहती है, और गाइडेंस इतनी अच्छी हो फिर तो क्या ही दिक्कत, फिर तो कितना भी मजेदार हो बंदा पार लग ही जाता है। अच्छा, तो आप चेतना अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और स्पेशली वो गर्ल्स जिनका फाइनल ईयर हो चुका है, जो ड्रॉप लेने से कई बार बचती हैं, घबराती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे और किस तरह से करियर के लिए उनको गाइड करना चाहोगे? सर मैं यही कहूंगी कि सिर्फ बीसीए करके तो मुश्किल होती है, क्योंकि अभी एनईपी इम्प्लीमेंट हुई है माना, बट वो अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है उन बच्चों का, तो उनका सीन अलग है और हमारा अलग है, क्योंकि हमने नॉर्मल बीसीए कर रखी है जिससे 3 साल की होती है, उसके बाद जॉब का ना स्कोप बहुत कम है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने नहीं करी ना एमसीए का प्रिपरेशन या कुछ, तो उनका जॉब लगा हुआ है बट बहुत कम पे है, जितना मैं बिना बीसीए के ही कर रही थी उतना उनका स्टार्टिंग का पे है। मैं यही कहूंगी कि डरने वरने वाली कोई बात नहीं, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है बस भागो पढ़ लो, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी जॉब के बारे में सोचने का या आगे क्या मिलेगा इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, और थोड़े के चक्कर में ना बोलते हैं लॉलीपॉप मिलते हैं, यहाँ काम कर लो वहाँ काम कर लो, जिसमें कैरियर होता है ना उसको तो मिलते हैं लॉलीपॉप। मैं अपनी जॉब वहाँ आके भी छोड़ी थी, और एक मैंने ऑफर लेटर रिजेक्ट भी करी थी, तब मैं वहाँ आके पढ़ना स्टार्ट किया था आपके पास, तो जो जिसमें कैलिबर है उसको अपना पता होता है, या नहीं भी उसको पता है कि मेरे अंदर अभी नहीं है, तो रिजल्ट के बारे में सोचने से बढ़िया है कि एंगेज होने की कोशिश करो प्रोसेस के अंदर, और ड्रॉप लेने में कोई डरने वाली बात है ही नहीं, अगर आपको पता है कि आप मेहनत करोगे, सिर्फ सिर्फ प्रोसेस के बीच ही रहोगे रिजल्ट का ना सोच के, और 1 साल कैसे निकल जाएगा वो इतना प्यारा, आप जब बाद में उसको देखोगे तो बहुत आपको वर्थ इट लगेगा ड्रॉप लेना। और मतलब और बेस्ट पार्ट ये कि आप जो ग्रोथ होती है ना मेंटली, वो चीज आप खो दोगे अगर आप ड्रॉप नहीं लोगे, एक पेपर तो है ही कंपटीशन भी है ही, बट जो मेंटली ग्रोथ होती है, जो बाहर जाके आप नई चीजें सीखते हो, और मैं तो सही बताऊंगी कि घर रहकर जितना 18 साल में मैं 19 इयर्स की या जितनी भी मेरी एज है, जितना आप उतना नहीं सीखते ना उतना 1 साल में बाहर रहकर डेली की डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब एज ए पर्सन आप इतना ग्रो कर जाते हो। ड्रॉप तो आपको पक्का लेना चाहिए, आपको पक्का एमसीए की तैयारी करना चाहिए, बट मैं तो कहूंगी बेस्ट कोचिंग पे, मैं सेफ्टी मानती हूँ कि मेरा नेचर थोड़ा अलग है, मैं ठीक है मैं सब जगह सरवाइव नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा मेरी बनती नहीं, बट बाय चांस भगवान ने मेरे को बेस्ट जगह भेज दी, ये मैं तब भी बोलती थी, मतलब कुछ अपने क्लासमेट्स को जो वहाँ पे मेरे दोस्त थे उनको बोलती थी कि कितनी मतलब आप एक सर, मैंने ना आपका भी उसी मिहिर से ही आपका नंबर लिया था कि भाई यहाँ का नंबर मैं यहाँ चली जाऊंगी, और मतलब आप ये देखो कितनी लक की बात होती है कि मैं सबसे सेफ जगह लैंडिंग हो गई, मेरी पहली बार बाहर निकली थी मैं घर से, होता है डर होता है घर से निकलने का, बट बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जहाँ पहुंच जाओ वहां सही रहो, तो और कुछ नहीं चाहिए, आप ड्रॉप लो और कोई डरने वाली बात ही नहीं होती, बाहर जाके धीरे धीरे आप सेट हो जाते हो, मेंटली भी हो जाते हो, मन भी लग जाता है, सब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और लाइफ का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, और हर सिचुएशन को हैंडल करना और फेस करना आना ही चाहिए बच्चे को। हाँ, और घर से निकले बिना कुछ नहीं मिलता। गुड सही बात है, पेरेंट्स से भी मिलना चाहूंगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, दीदी का आप सिलेक्शन हुआ इतनी अच्छी रैंक पे, और आप भी बीसीए कर रहे हो, तो आपके लिए एक मोटिवेशन और लाइन मिल गई है ना। हाँ जी सर, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आप क्या सोचती हो, आप क्या लग रहा है आपको, आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं आ गया?
बस अभी बीसीए अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो करनी ही है। नहीं, बीसीए के बाद नहीं, बीसीए के साथ करनी है। अभी से अब चालू हो जाना है और कोशिश करना है कि बीसीए के फाइनल ईयर के साथ आप अच्छी रिजल्ट दे पाओ, ठीक है, अच्छा है ना। अभी जो अपने यहाँ का बच्चा है आर्यन, उसका भी ऑल इंडिया रैंक 3 है, जो कि दिल्ली से है, और उसने फाइनल ईयर के साथ ही रैंक अचीव की है। तो ठीक है, ठीक आपकी भी कोशिश यही होना चाहिए। है सर। ड्रॉप तो जब जब मान लो बाई चांस अगर फाइनल ईयर के साथ अच्छा रैंक ना आ पाए तो अलग बात है, अदरवाइज पहला ये ट्राई होना चाहिए कि हम फाइनल ईयर के साथ अच्छी रैंक लाएं। अगर हम फाइनल ईयर नहीं करे हुए तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, अभी आप सेकंड ईयर में हो ना। नहीं, अभी मेरा सेकंड सेम चल रहा है, एग्जाम हाँ, था। तो बस, तो आपके लिए बिल्कुल सही समय। ड्रॉप के लिए अक्सर वो बच्चे सोचे जो कि फाइनल ईयर के में टाइम कम बचा है या फाइनल ईयर कर चुके हैं। आपके पास अभी मौका है, आपकी सिस्टर आपके लिए गाइडेंस है, इंजन जैसा काम करेगी, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक आ चुकी है तो अब आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरी सिस्टर ने करा हुआ है तो अब आप भी कर सकते हो, है ना। यस, सर आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो गई? हाँ जी, न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए, 26 के लिए भी, 27 के लिए भी। आपका 26 में होगा, है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार, सबसे आपको पहले बहुत बहुत बधाई आपको। भी थैंक यू सर, नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई। तो सर कैसा लग रहा है आपको कि ठीक जब आप छोड़ने आए थे, जब भी मैंने बोला था बिटिया आपकी होशियार तो है ही, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया और अच्छी रैंक देखे लेके आई है, साल भर उसने मेहनत की है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सच पूछे आज हमारा मन सारा दिन सुबह से खुश था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो जी जी इसने जी शाम को बताया ना, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, बहुत ही सच खुशी पूछे की जब आज बात मन है। भी भर आया कि एक खुशी थी कि ये करती जाएगी करती जाएगी, आज इसने फिर एक बार करके दिखा दिया। जी 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 बिल्कुल। तो जब ऐसे ही मन हाँ में खुशी होती है, जब बच्चे अच्छा करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी जितनी बच्चों को होती है उससे कई गुना ज्यादा माँ बाप को होती है, क्योंकि उनको उनका मतलब जीवन में एक ही चीज होती है कि बच्चे अच्छा कर जाएं, और जब बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं तो उसकी अलग ही बात होती है। ये सही बात है। इसने हार्ड वर्क भी बहुत किया, बताती रहती थी तो जी कई बार क्या समझाता भी था कि थोड़ा धैर्य बनाए रख, थोड़ा नेचर अपने ऊपर भी शांत रख, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। आखिर में जी 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 शुरू जी से नर्वस थी तो मैंने कहा अभी दौड़ शुरू हुई है कि चेतना तूने ना कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं, शुरुआत में जो आगे होता है ना उसको घबराहट होती है कि मैं पहले नंबर, दूसरा तीसरा वाला ना और ज्यादा होशियार होता है, जी जी अभी जी तो सेंटर तो पहुंचेगी, समुंदर में गोते भी होंगे, अखीर में सब कुछ ठीक होगा। सही, बिल्कुल सही बात है। और अभी तो ये शुरुआत हाँ है, और उसने शुरुआत में ही देखिए पहले अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाई, और मैंने आपको बताया था हर बच्चा अलग अलग होता है, और जो बच्चा जैसा होता है मैं उसको वैसे ही डील करता हूँ। तो चेतना का नेचर थोड़ा अलग है, नॉटी है, मस्ती करती थी, सब करती थी, पर पढ़ाई के समय पढ़ाई भी करती थी। तो वो एक चीज होती है जो बच्चे में होती है, तो जो बच्चा जिस क्वालिटी का, मुझे लगता है उसी ढंग से उसको ट्रीट किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। जी, आप अब कुछ मुझे बोलेंगे। जी नहीं पता ये। हाँ जी कुछ जी कुछ बोलिए बोलना। चेतक। बहुत खुश आए थे तुम। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी खुश रहिए। अभी आपकी ये बेटी, दूसरी बेटी भी ऐसी परफॉर्म करेगी, और अभी ये NIT त्रिची या सूरत का जहां भी जाना चाहे जा सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब टॉप रैंक है तो आपकी मर्जी कहाँ जाना है, तो जहां पे भी जाएगी बेस्ट परफॉर्म करेगी। क्या सोचा चेतना, कहाँ जाने का। मेरे को आपने पहली बार त्रिची का ही नाम लिया था, मेरे को इतना नाम इससे पहले भी नहीं था, आपको मैंने बताया था, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था एनआईटी ठीक है, तो ठीक है, त्रिची जाना बिल्कुल अच्छे से, मजे से, है ना। ठीक है। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई। और अब 6 तारीख को अवार्ड फंक्शन में आप लोग फिर मिलने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करिए। जी इसने तो टिक-टिक करा ली है। जी वो तो पहले से डिसाइड था, मैंने आपको बोला ही था कि बच्चों को आना है, तो ये तो अच्छी बात कोई है। नहीं, जरूर आने। जी, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन चेतना वंस आपको। अगेन। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बाय आपकी बेटा, मेहनत भी सफल हुई है। आपने थैंक यू भी सर बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत भी सफल हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक जी, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, है सर, बाय बाय। बाय।